हेलो फ्रेंड, रेल ज्ञान सीरीज के इस वीडियो में आपका फिर स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे कोंकण रेलवे के बारे में। कोंकण रेलवे बेहतर इंजीनियरिंग का एक खूबसूरत सा एग्जांपल है। कोंकण रेलवे हमारे देश के वेस्टर्न घाट तथा अरेबियन सी के तट क्षेत्र में स्थित है। कोंकण रेलवे का निर्माण कार्य देश की आज़ादी के बाद प्रारंभ हुआ और इसको निर्माण करने के लिए कोंकण रेलवे कॉरपोरेशन लिमिटेड की स्थापना की गई है। कोंकण रेलवे कॉरपोरेशन लिमिटेड के नेतृत्व में 20 मार्च 1993 में एक छोटे से सेक्शन मंगलोर से उदुप्पी के बीच पहला पैसेंजर ट्रेन चलाया गया। कोंकण रेलवे की पूरी परियोजना 1998 में बनके तैयार हुई और उस समय के तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा 26 जनवरी 1998 में देश को समर्पित किया गया। कोंकण रेलवे घनी आबादी वाले शहर मुंबई को मंगलोर से कनेक्ट करती है। कोंकण रेलवे के निर्माण के बाद मुंबई से मंगलोर तक की 1127 किलोमीटर की दूरी में कमी आई, साथ ही 26 घंटों की यात्रा के बहुमूल्य समय को भी बचाया गया। अगर कोंकण रेलवे की विस्तार की बात करें तो ये अरेबियन सी के कोस्टल एरिया में महाराष्ट्र के रोहा से कर्नाटक के ठाकुर स्टेशन तक 756 किलोमीटर में फैला हुआ है। 756 किलोमीटर का यह लाइन इतना भी सुगम नहीं था क्योंकि वेस्टर्न घाट के पहाड़ों और नदियों के बीच होते हुए यह लाइन गुजरी है, इसलिए यहाँ पे एक से एक इंजीनियरिंग मार्बल का आपको नमूना देखने को मिलेगा, जैसा कि कारवोडे सुरंग। 6.5 किलोमीटर की यह उस समय की सबसे बड़ी रेलवे सुरंग थी तथा रत्नागिरी में पानवेल नदी में पानवेल ब्रिज 64 मीटर ऊंची 20वीं सेंचुरी की सबसे ऊंची रेलवे ब्रिज थी। तो फ्रेंड, ये सबसे आपको आइडिया लग गया होगा कि 20वीं सदी में कोंकण रेलवे में कितने बेहतरीन इंजीनियरिंग का इस्तेमाल किया गया था। दोस्तों, अभी जो चेनाब नदी पे ब्रिज बन रहा है, चेनाब ब्रिज, वो विश्व की सबसे ऊंची ब्रिज होने वाली है, वो भी कोंकण रेलवे के द्वारा ही बनाई जा रही है। वहाँ पर कोंकण रेलवे के इंजीनियर ही लीड कर रहे हैं क्योंकि कोंकण रेलवे को ऐसे ब्रिज बनाने का एक्सपीरियंस पहले से ही है। कोंकण रेलवे का क्षेत्र समतल ना होने के कारण वहाँ भूस्खलन, सुरंग का गिरना, बाढ़ आना आदि समस्याएं आती रहती थी, इसलिए इस रेलवे को बनने में काफ़ी समय लगा और इसमें 2116 ब्रिज, 51 टनल और बहुत सारी नेरो घाटियों से इसको गुजारा गया है। उस समय के सिविल इंजीनियर मिस्टर ई श्रीधरन के नेतृत्व में यह कार्य संपन्न किया गया था। यह परियोजना देश की एकमात्र ऐसी परियोजना है जो पर्यावरण को बिना नुकसान पहुंचाए ही इस परियोजना को पूर्ण किया गया। अगर आप इस रेलवे की यात्रा करते हो तो आपको एक से एक सुंदर घाटियाँ, झरने और पहाड़ देखने को मिलेंगे। तो आप एक बार कोंकण रेलवे की यात्रा में ज़रूर निकलें तो आपको पर्यावरण के सौंदर्य का एहसास होगा। कोंकण रेलवे आए दिन नए नए एक्सपेरिमेंट और ट्रायल करते रहते हैं और आज भी इंडियन रेलवे से आगे है। तो कोंकण रेलवे के एक बड़े आविष्कार में से एक है एंटी कोलिजन डिवाइस, जो कि ट्रेन को कोलिजन होने से बचाता है। अगर कोई ट्रेन पार्टेड हो गई है या फिर डीरेल हो गया है या फिर कोई और ट्रेन सेम दिशा में आ रही है तो इस दशा में ट्रेन की गति 15 किलोमीटर से कम ऑटोमेटिक हो जाएगी। मतलब ट्रेन कितने भी स्पीड में चले ऑटोमेटिक डी एक्सलेशन हो जाएगा और 15 किलोमीटर की पर आवर की गति से ट्रेन आगे बढ़ेगी, जिससे कि ड्राइवर को समय मिल जाएगा ट्रेन को रोकने के लिए और हादसा को टाला जा सकता है। यह डिवाइस जीपीएस लोकेशन के साथ साथ रेडियो फ्रीक्वेंसी ट्रांसमिशन भी करता है और इसकी खोज राजा राम बोजी, जो कि कोंकण रेलवे कॉरपोरेशन लिमिटेड में एज ए इंजीनियर काम करते थे, इसीलिए इसका पेटेंट कोंकण रेलवे कॉरपोरेशन लिमिटेड के पास है। दोस्तों, मैं यहाँ आपको क्लियर कर देना चाहता हूँ कि KRCL एक पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग कंपनी है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के द्वारा यह अंडरटेकिंग में लिया गया है और इसमें इंडियन गवर्नमेंट का 51% शेयर है और बाकी महाराष्ट्र सरकार का 22% शेयर है, कर्नाटका का 15% शेयर है और इसी तरह अन्य राज्यों का या फिर अन्य बिजनेसमैन का शेयर हो सकता है, क्योंकि कोई भी PUC में 51% शेयर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का होता है, बाकी 49% किसी का भी शेयर हो सकता है। इसीलिए KRCL का अपना पेटेंट है और ये अपने हिसाब से इन्वेंट और नए नए ट्रायल करते रहती है। तो इसका और एक ट्रायल है जो सक्सेसफुल है, रो रो सर्विस, रोल ऑन रोल ऑफ सर्विस। ये सर्विस कोंकण रेलवे में काफ़ी चलता है। इसमें फ्लैट वैगन में
ट्रक को चढ़ाया जाता है और अपने डेस्टिनेशन तक पहुंचाया जाता है। अगर आपको रोरो सर्विस के बारे में इससे भी ज़्यादा जानकारी चाहिए तो मैं डिस्क्रिप्शन में अपनी पुरानी वीडियो डाल दूंगा, मैं रोरो सर्विस के बारे में बहुत डिटेल से बताया हूँ, आप चाहे तो उसको देख सकते हैं। इसके नेक्स्ट इन्वेंशन था जो कि फेल हो गया, उसको कहते हैं स्काई बस। स्काई बस एक सस्पेंडेड टाइप मेट्रो बस था जिसका ट्रायल मडगांव स्टेशन पे 1.6 किलोमीटर का रूट बना के किया गया और पहली ट्रायल में इसका एक्सीडेंट हो गया जिसमें एक एम्प्लॉय की मृत्यु हो गई और 3 एम्प्लॉय इंजर हो गए। ये क्या हुआ कि जब बस स्काई बस चल रही थी तो उसमें ब्रेक न लग के वो एक्सीलेट हो गई और जाके एक कंक्रीट पोल से टकरा गई जिससे कि ये हादसा हो गया। ये हादसा 2004 में यह ट्रायल किया गया था। इसके बाद इसमें कुछ टेक्निकल सुधार भी किए गए बट यह सक्सेसफुल नहीं रहा और बाद में 2013 में इस परियोजना को डिसमेंटल कर दिया गया। तो दोस्तों इन्वेंशन में फेल और सक्सेस होते रहता है, ये कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन आज भी कोंकण रेलवे अपने इंजीनियरिंग मार्बल के लिए जाना जाता है। और इसका जीता जाता एग्जाम्पल है चेनाब नदी पे जो ब्रिज बन रहा है, विश्व का सबसे ऊंचा ब्रिज, वो भी कोंकण रेलवे के टेक्नोलॉजी के ऊपर भी बनाया जा रहा है। तो दोस्तों उम्मीद है कि आपको कोंकण रेलवे के बारे में कुछ जानकारी मिल गई होगी। दोस्तों अगर ये वीडियो थोड़ा भी हेल्पफुल रहा हो तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हाँ इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए।